तो फिलहाल के लिए अभी भी रैंक अपना BGMI में नंबर 1 पे चल रहा है। चैनल पे अगर आप पहली बार ही आ रहे हो या फिर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सिर्फ यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं, एंड अपनी साइड से मैं पूरा ट्राई करूंगा सीजन के एंड तक नंबर 1 रैंक होल्ड करने का। तो आज के गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले आजकल देखो क्या सीन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को बिना किसी रीजन के 10 मिनट का जो एक डाटा एरर का बैन हो रहा है वो पड़ रहा है। अब यार ये 10 मिनट का बैन लगने का रीज़न वैसे किसी को भी नहीं पता है, एंड फिलहाल के लिए मेरे को ऐसा कोई भी बैन लगा नहीं है। तो ये बैन आई गेस देखो सबसे पहले 10 मिनट का लगता है, उसके बाद आई गेस 3 घंटे, 1 दिन एंड 1 महीने तक का लगता है। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा बार ये वाला बैन लग रहा है तो यार अपने अकाउंट से फिर थोड़े टाइम के लिए गेम मत खेलना, क्योंकि ये भी हो सकता है फिर डायरेक्ट यार 10 साल का परमानेंट बैन लग जाए। तो यार फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने गेम प्लेस पे। तो आज वाले गेम प्लेस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। फिलहाल के लिए ये वाले गेम की मैं बात करूँ तो अभी जस्ट यहाँ पे मैं जोन के अंदर आ ही रहा था, रास्ते में आते आते अपनी बग्गी भी थोड़े से करतब दिखाई थी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं सोचा थोड़ा सेंटर वाली साइड को ही चलता हूँ, तभी देखना यहाँ पे क्या सीन होता है। अब यहाँ पे पीछे वाली साइड से काफ़ी दूर से एक बंदा यार मेरे को देखो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है। फिलहाल के लिए ये वाली टनल पे आके मैं रुकता हूँ। अब यहाँ पे जैसे बग्गी से एग्जिट करता हूँ और अपनी हेल्थ जाती है, लकीली यार यहाँ पे अगर मेरी हेल्थ थोड़ी और कम होती तो यार यही जगह पे बग्गी से एग्जिट करने पे अपनी पेटी बन जाती। तो पहले यहाँ पे जल्दी से मैं ये लगा लेता हूँ, इसके बाद एक बार ही बग्गी निकालने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यार ये जगह पे अपनी बग्गी अटक चुकी थी। फिलहाल के लिए जोन भी सामने वाली साइड को शिफ्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए इतनी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे इजी मैं यही जगह से जोन के अंदर जा सकता था। डर बस इसी बात का था कि यार सामने साइड पे कोई और बंदा पहले से बैठ रखा हो फिर अपने को दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं जैसे जोन के अंदर आता हूँ तभी राइट साइड से मेरे को एक बाइक का साउंड आता है, एंड ये बंदा भी मेरी तरह ही गैस किसी और बंदे से डैमेज लेके आया था। काफी इजी यहाँ पे बंदा फिनिश हो गया। फिलहाल अभी के लिए ये वाला शेक यहाँ पे जोन के अंदर था, तो मैंने सोचा अभी के लिए मैं यहीं पे जोन बनने का वेट कर लेता हूँ। अब ये जो बग्गी वाला बंदा था सामने साइड पे जोन के बाहर जाके रुक जाता है, एंड उसके बाद पता नहीं बंदा क्यों अपनी बग्गी छोड़ के पैदल ही जोन के अंदर आने का ट्राई कर रहा था। इसी बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ, तभी मेरा जोन पे ध्यान जाता है, ये वाला जोन अपने से काफ़ी ज़्यादा दूर शिफ्ट हो गया था। तो यहाँ पे इजी मेरे को लगा टनल से मैं जोन के अंदर जा सकता हूँ, लेकिन तभी सामने वाली साइड पे एक मेरे को बंदा स्पॉट होता है। ये वाले बंदे को मैं हल्का सा डैमेज भी देता हूँ, लेकिन उतने बंदा भी कवर के अंदर जा चुका था। अब यहाँ पे ऐसा सीन था टनल वाली साइड से मैं जा नहीं सकता था, वरना वो वाला बंदा अपने को दिक्कत देता। अब अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो जाता था, जिस बग्गी वाले बंदे को मैंने पहले फिनिश किया था। आसपास अपने पहले मैं स्मोक करता हूँ ताकि दूर से कोई बंदा शोर्स ना ले, क्योंकि जोन अपने से काफ़ी दूर शिफ्ट हो गया था, तो बिना गाड़ी के तो जोन के अंदर जाना पॉसिबल था नहीं। एंड अभी अपने आसपास और भी काफ़ी गाड़ियाँ लगी थी, जैसे ही मैं जोन की साइड निकलने का ट्राई करूँगा कोई भी बंदा मेरे को इजी फिनिश कर देगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैं बग्गी उठाने के लिए निकलता हूँ सामने वाले बटन चेक पे एक मेरे को बंदा जंप करता हुआ दिखता है, तो मैं समझ जाता हूँ शायद से वाले बंदे ने किल फीड पे अपना नाम नोटिस कर लिया होगा, एंड ये वाला बंदा हो सकता है अपना सब्सक्राइबर ही हो। तो ये वाले बंदे पे यहाँ पे मैं शॉर्ट्स लेने का ट्राई नहीं करता हूँ, पहले जोन के बाहर आके ये वाले बंदे की बग्गी उठाते हैं। एंड ये वाला बंदा तो जंप कर रहा था, इसको मैं बोल देता हूँ भाई अभी के लिए तुम अपना सर्वाइव करो, अगर लास्ट तक बचते हैं तो फिर मीटअप कर लेंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए तो यहाँ पे अपने को भी जोन के अंदर आना ही था। फिलहाल के लिए ये वाला शेक यहाँ पे जोन के अंदर था, तो मैं यहीं पे आके रुक जाता हूँ, इसके बाद वाला जोन बनने का वेट करता हूँ। एंड अभी ये वाला जोन भी अपने से वापस शिफ्ट हो जाता है। अब ये वाले बंदे को तो यहाँ पे इजी फिनिश कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे सीन ऐसा था अपने नीचे साइड पे जो टनल थी हल्की सी वहाँ से अभी मेरे को एक और बंदे का साउंड आ रहा था, एंड ये बंदा शायद से वही था जिसको मैंने पहले भी एक बारी टनल में डैमेज दिया था। फिलहाल के लिए अपनी बग्गी पे यहाँ पे मैं स्मोक कर लेता हूँ, क्योंकि अपने को जोन में तो निकलना ही है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि जो पीछे टनल में बंदा ये वाले बंदे को भी जोन के अंदर आना है। एंड यहाँ पे जैसे जोन स्टार्ट होता है पीछे वाले बंदे का भी मेरे को गाड़ी निकालने का साउंड आता है।
फिलहाल के लिए ये वाला शेक यहाँ पे जोन के अंदर था, यहीं पे आके हम रुकते हैं। जल्दी से अपने ऊपर एक स्मोक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था सामने वाली साइड पे भी एक और बंदा आ रहा था। ये वाले बंदे को तो यहाँ पे इजी नेट से फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए अपने को छोड़ के दो बंदे और अलाइव थे। अब यहाँ पे सामने साइड से कोई बंदा अपने ऊपर नेड करता है, लेकिन ये नेड से अपने को ज़्यादा डैमेज पड़ता नहीं। इसके बाद अभी मैं सामने वाले कंपाउंड पे नेड करने का ट्राई करता हूँ। तभी सामने साइड पे दोनों बंदों की फाइट हो जाती है। अब यहाँ पे सामने वाले बंदे को जोन के अंदर आना था, लेफ्ट साइड में एक मैं मॉली करता हूँ, लेकिन तभी मैं सामने देखता हूँ ये वाला बंदा जंप कर रहा था। मैं समझ जाता हूँ ये वाला बंदा अपना सब्सक्राइबर ही, एंड पहले मेरे को लगा था शायद से ये वही बंदा जो कि अपने को पहले शेख के पास मिला था। हेलो चिराग भाई, बिग फैन भाई, बिग फैन भाई, बिग फैन भाई, बिग फैन भाई, बिग लेकिन ये फैन वाले भाई। बंदे से जब मैं पूछता हूँ तो ये बंदा मना करता है। ये बोलता है कि मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, तो वो वाला सब्सक्राइबर आई गेस पहले ही फिनिश हो गया था। ना ब्रो, ना ब्रो, मैं पहली बार मिल चुका है तुम्हें। मेरा नाम है गंगाधर, स्टार्टअप दे दो भाई, स्टार्टअप दे दो। डेली देखता हूँ ब्रो तुम्हारा वीडियो, डेली देखता हूँ ब्रो। मार दो ब्रो, मार दो ब्रो, तुम हैशटैग फोन में रहेगा तुम। लव यू ब्रो। ओके ब्रो, ओके ब्रो, तो गंगाधर भाई को एक बड़ा ला शॉर्ट आउट, काफ़ी अच्छा नाम था ये भाई का। बाकी ये वाले गेम की अगर मैं बात करूँ तो ये वाले गेम में अपने को 12 पॉइंट्स का प्लस मिला था। अभी के लिए फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम प्ले पे। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं जोन बनने का वेट कर रहा था। ये वाला जोन अपने से काफ़ी दूर शिफ्ट हो जाता है, तो अभी के लिए मैं सोचा था ये वाले मैच में थोड़ा जोन कैच पे खेलता हूँ। फिलहाल के लिए ये जगह पे आके मैं होल्ड कर ही रहा था, तभी मेरा अपने राइट साइड पे ध्यान जाता है, तो एक बंदा भी मेरे को जोन के बाहर से अंदर आता हुआ स्पॉट होता है। अब ये वाले बंदे को हल्का सा मैं डैमेज तो देता हूँ, लेकिन इसके बाद बंदा सामने पेड़ के कवर में आ चुका था। पहले तो यहाँ पे अपनी मैं बग्गी को थोड़ी सी सेफ ले जाता हूँ, क्योंकि सामने वाला बंदा मेरे को पता था अपनी बग्गी डैमेज करने का ट्राई करेगा। लेकिन अभी सामने वाले बंदे के पास गाड़ी तो थी नहीं, एंड उस बंदे को भी जोन के अंदर आना था, तो मेरे को पता था बंदा ओपन में तो जरूर आएगा। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन वापस से शिफ्ट हो जाता है, लेकिन अभी के लिए मैंने सोचा यही वाली जगह पे जोन स्टार्ट होने का वेट कर लेते हैं। अब ये वाले कंपाउंड यहाँ पे जोन के अंदर थे, बाहर साइड पे एक मेरे को बग्गी दिखती है, लेकिन अभी के लिए किसी बंदे का मेरे को साउंड कंपाउंड से आता नहीं है। तो एक बार मैंने सोचा वापस से चेक करता हूँ, तभी राइट साइड में एक मेरे को बंदा ओपन में स्लॉट होता है। फिलहाल के लिए ये वाली जगह पे आके मैं बग्गी रोकता हूँ, एंड जो सामने साइड पे बंदा था वो भी इस कंपाउंड के अंदर आ चुका था। मैंने सोचा यहाँ पे एक नेट करने का ट्राई करता हूँ। अब ये वाला बंदा इसी नेट से फिनिश हो गया। मेरे को लग रहा था ये बंदा वही बंदा जो कि बाहर साइड से आ रहा था, तो मैं सोचा यहाँ पे अंदर साइड पे जाने का ट्राई करता हूँ। तभी सामने वाली साइड पे मेरे को एक और बंदे का बग्गी रोकने का साउंड आता है। अब यहाँ पे मेरा ध्यान था बग्गी वाले बंदे पे, तभी मेरे को पीछे से एक और बंदे का साउंड आता है। एंड आई गेस यहाँ पे सीन ऐसा था, कंपाउंड के अंदर ऑलरेडी एक और बंदा था, एंड बाहर वाला बंदा बाहर साइड पे कहीं पे खड़ रखा था। पीछे साइड वाले बंदे को तो मैंने जैसे जैसे मार दिया था, लेकिन उतने में जो बग्गी वाला बंदा था वो भी अपने को पुश कर देता है। लेकिन ये वाले बंदे को भी इजी फिनिश मैं कर देता हूँ। फिलहाल के लिए ये बंदों की रेड से अपने को ग्रोजा प्लस M4 मिल जाती है। अब यहाँ पे जोन भी शिफ्ट हो गया था, एंड अपने को जोन के अंदर जाना था, एंड अभी भी अपने को छोड़ के यहाँ पे तीन बंदे और अलाइव थे। अभी के लिए ये जगह जोन के अंदर थी, यहीं पे आके मैं रुक जाता हूँ। तभी सामने टनल वाली साइड से कोई बंदा तो दूसरे बंदे को फिनिश करता। अब देखो दो बंदे लाइफ है, एक बंदा मेरे को बोलता था सामने टनल पे है, तो मैं सोचा डायरेक्टली ये बंदे में पुश करता हूँ।
अब यहाँ पे मेरी ट्राई थी ये वाले बंदे को बग्गी से उड़ाने की, लेकिन तभी सामने वाली साइड से कोई और बंदा इस बंदे को उस कार से फिनिश कर देता है। पहले तो यहाँ पे जल्दी से उतर के मैं ही लगा लेता हूँ। लास्ट एक बंदा लाइव था जो कि मेरे को पता था अपने सामने साइड पे कहीं पे लेट रखा है। तभी सामने वाला बंदा अपने ऊपर एक नेड करता है एंड ये नेड की डायरेक्शन देख के हल्का सा मेरे को इस बंदे की लोकेशन का भी आइडिया लग जाता है। अब ये बंदा मेरे को पहले तो स्पॉट नहीं हुआ था, लेकिन ये बंदा सामने साइड से एक और मोली करने का ट्राई कर रहा था, उसी चक्कर में इस बंदे की लोकेशन मेरे को पता चल जाती है। बाकी ये वाले गेम की मैं बात करूँ तो अच्छा खासा अपने को 14 पॉइंट्स का प्लस ये वाले गेम में मिल गया था। तो भैया चल लेते हैं आज के अपने लास्ट गेम प्ले पे। अभी के लिए ये वाला शायद यहाँ पे जोन के अंदर था, तो मैंने सोचा फिलहाल के लिए यहीं पे मैं जोन बनने का वेट कर लेता हूँ। तभी अपने लेफ्ट साइड में कहीं पे एक बंदा M24 चलाता है। अब यहाँ पे मेरे पास भी M24 प्लस एटैक्स था, लेकिन मेरा हेलमेट जो था लेवल 2 का था। अब यहाँ पे देखना जैसे जोन शिफ्ट होता है सामने साइड से M24 वाला बंदा अपनी बग्गी का टायर फोड़ने का ट्राई करता है। अब इस बंदे को एक मैं हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन सामने वाले बंदे के पास लेवल 3 हेलमेट था। अब मेरे को पता था यहाँ पे सामने वाला बंदा हील करेगा, जल्दी से अपनी बग्गी उठा के जोन की साइड निकलता है, क्योंकि इसके बाद अगर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करता तो यार ये वाला बंदा 100% अपनी बग्गी टायर फोड़ देता। फिलहाल के लिए ये वाला वुडन शैक लेके लिए अपने को जोन के अंदर सेफ खाली मिल जाता है, तो अभी के लिए मैं सोचा यहीं पे होल्ड करते हैं। तो अभी ऊपर वाली साइड पे एक मेरे को बाइक स्पॉट होती है, लेकिन वहाँ पे आई गेस कोई बंदा था नहीं, पीछे साइड से एक और BRDM भी जा रहा था। तभी सामने वाली साइड से मेरे को एक और गाड़ी वाला बंदा आता हुआ स्पॉट होता है। अब यहाँ पे देखना ये वाले बंदे की किस्मत, बंदा बग्गी के ओर के लिए लेट था, लेकिन इसकी बग्गी देखो रिवर्स गियर में पीछे साइड को जाती जा रही है। फिलहाल के लिए ये वाले बंदे को भी यहाँ पे एकदम इजी फिनिश कर दिया। तभी सामने वाली साइड पे एक और मेरे को बग्गी स्पॉट होती है, लेकिन ये वाले बंदे को भी कोई और ही बंदा फिनिश कर देता है। फिलहाल के लिए जो इसके बाद वाला जोन था हल्का सा अपने आगे वाली साइड को शिफ्ट हुआ था, तो उतनी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तभी सामने वाली साइड पे एक पत्थर था, वहाँ पे एक और बंदा बग्गी लेके रुकता है। अब सामने साइड वाला बंदा तो ज़्यादा यहाँ पे पीक कर नहीं रहा था, फिलहाल के लिए अपने को भी जोन के अंदर जाना है, तो यहाँ पर एडवांस में एक अपनी बग्गी पर मैं स्मोक कर लेता हूँ। तभी सामने पत्थर वाला बंदा मेरे को हल्का सा ओपन में स्पॉट होता है। एंड ये वाला बंदा भी यहाँ पे एकदम इजी फिनिश, फिलहाल के लिए अपने को भी जोन के अंदर आना है। अब यहाँ पे मेरा राइट साइड में ध्यान जाता है, ऊपर एक BRDM तो था, लेकिन BRDM के साथ साथ में एक और बंदा ऊपर में भाग के आ रहा था। तो पहले तो यहाँ पे मैं जोन के अंदर आके बग्गी रोकता हूँ। एंड जो बंदा पीछे साइड से ओपन में भाग के आ रहा था ये वाला बंदा तो एकदम इजी फिनिश हो गया। फिलहाल के लिए मैं इसके बाद वाला जोन बनने का वेट करता हूँ। अब यहाँ पे सामने साइड पे दो बंदों की फाइट होती है, मैंने बंदे का BRDM तो फोड़ दिया था, लेकिन अभी भी BRDM के पीछे साइड पे एक और बंदा था। तभी नीचे वाली साइड से मेरे को गन साउंड आता है एंड एक बंदा नीचे साइड पे कोई नेट भी करता है, तो मैं समझ जाता हूँ नीचे वाली साइड पे भी शायद से दो बंदों की फाइट हो रही है। एंड अभी यहाँ पे अपने को छोड़ के सिर्फ 3 ही बंदे लाइव थे, एक बंदा तो सामने डासिया लेके BRDM के पीछे जाता है एंड दो बंदों की आई गेस अपने नीचे लेफ्ट साइड में कहीं पर फाइट हुई थी। तो पहले तो बग्गी लेके मैं जोन के अंदर आता हूँ। एंड यहाँ पे पहले रुक के तो मैं सामने साइड पे स्मोक कर देता हूँ, ताकि जो सामने साइड से डासिया वाला बंदा वो अपने पे शॉट्स ना ले, उतने में मैं नीचे वाले बंदे को देखने का ट्राई करूँ। अब यहाँ पे एक बंदा शैक वाली साइड को नेड कर रहा था, तो मैं समझ जाता हूँ एक बंदा शायद से शैक के अंदर ही है। उतने में जो राइट साइड में BRDM वाला बंदा था वो भी दूसरे बंदे की डासिया लेके जोन के अंदर आ गया था, तो राइट साइड में पहले मैं एक और स्मोक कर देता हूँ।
तो यहाँ पे नीचे साइड वाले दोनों बंदों को इजी फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए सिर्फ एक लास्ट बंदा लाइफ था जो कि मेरे को पता था सामने वाली साइड पे कहीं पे आ चुका है। ये बंदे ने ऑलरेडी अपने ऊपर स्मोक्स भी कर दिए थे। अब यहाँ पे मैं सोचा था सामने वाले बंदे पे नेड करने का ट्राई करूँ, लेकिन उतने में सामने वाला बंदा अपने पे नेड मॉली करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे मेरे को लगा था नेड से आई गेस बंदा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया होगा, लेकिन बंदा यहाँ पे ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं था। लेकिन लास्ट में जैसे जैसे ये वाले बंदे को भी फिनिश कर दिया। एंड अगर ये वाले गेम की बात करूँ तो यार ये वाले गेम में भी अपने को अच्छा खासा 11 पॉइंट का प्लस मिल गया था। बाकी आप में से जो लोग अभी एस या फिर एस मास्टर पे 100 पॉइंट कराने वालों के लिए 200 पॉइंट का आपका कल का टारगेट रहेगा। तो गेम प्लेज अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लगे तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आपको ऐसी रैंक और नस्ली कॉन्कर लॉबी के गेम प्लेज देखना पसंद हो तो सिर्फ यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। और बाकी अगर किसी को कुछ बात करनी हो या कुछ पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हो। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।